इस भाई को देख लो, ये देख। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल संजू खनका ऑल इन वन में। तो भाई लोग, आज जा रहे हैं हम, फिर से टाइम मिला है हमको, जगह का नाम वहीं चल के डिस्क्लोज करते हैं। और आज हमारे साथ हैं हमारे हरिभूषण भैया, जो कि अभी कैमरा पकड़े हुए हैं। और इतनी शक्ल भी उतनी खास तो है नहीं, जो क्या बोलते हैं। और हमारे साथ यहाँ इनको भी दिखा दे, प्लीज अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप लोग। हम सब क्लासमेट है, मैं शीतल हूं, ये प्रेरणा है, और ये गोकुल, माय सेल्फ गोकुल, मेरा नाम आई एम नॉट अ नॉट अ यूट्यूबर नॉट अ यूट्यूबर। सब ये जो रास्ता है, जो इधर बगल से जाता है, ये जाता है नीम करौली बाबा के यहाँ। और एक दिन सुबह सुबह मैं निकला नीम करौली बाबा जाने के लिए, इधर निकल गया। 3 किलोमीटर जाने के बाद मुझे लग रहा है कि अरे यार मैं गलत जा रहा हूँ, वापस चलना चाहिए। सर्पीली सड़कों को, और हम इस सड़कों का आनंद लेते हुए और आगामी 10 तारीख के एग्जाम की चिंता को दरकिनार रखते हुए इंक्यूबेशन पीरियड में इसीलिए हमें उसी प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग आज आ चुके हैं। और ये है दोस्तों भुजिया घाट, और हम निकलेंगे यहाँ से राइट की ओर, जो कि जाता है बलौद की तरफ। आज हमारा प्लान फिर से बलौद जाने का है, और वहीं देखिए फिर सूक्ष्म जलपान की हमारी प्लानिंग है। यहाँ पे गाड़ी का पीछे का हिस्सा लग जाता है मेरे, कच्चे रास्ते हैं ये, पिछले गाड़ी का पिछला हिस्सा बचाते हुए आहिस्ते से। ये है बलौद का पहला पुल, और ये हमारा स्नैक्स। और क्या बात है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और गोकुल भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय, अद्वितीय भैया महसूस कर रहे हैं। भैया का कॉपीराइट है उसके लिए। एक अच्छा सा म्यूजिक बज रहा है, लेकिन कॉपीराइट को ऐसे हम सुना नहीं सकते आपको। फिलहाल तो ध्यान से डर रहा है। ढलान से कैसे उतरूंगी यार, मेरा भी पकड़ दो क्योंकि मेरे को तो वो भी है। ढलान से हाँ, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। अरे यार मैं क्या करूँ, अब क्या करें फिर। ये तो पक्का आएगा। भाई भाई तो देखना है, पार्टी करने हैं, पार्टी करेंगे। जो पत्थर हैं, ये जो सेडिमेंट्री स्टोन्स हैं, ये नदियाँ काट काट के लाती हैं दूर दूर से, कितने चिकने हो जाते हैं पानी में घिस घिस के। बुला रहे हैं लोग मुझे उधर, लेकिन नदी की गोद में मुझे कितना अच्छा लग रहा है।
मैं बता नहीं सकता किसी को। खाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सर क्या बना रहे हैं आप? मैं बना रहा हूँ मैम रायता। ओके, अभी और दिखाएंगे हम आपको क्या क्या लेके आए हैं साथ में। फिलहाल तो हम रायते की क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हम रायते में आज डालेंगे क्या क्या, एक तो डालेंगे खीरा, दूसरा डालेंगे प्याज, तीसरे नंबर में आएगी हरी मिर्च, चौथे नंबर में टमाटर और पाँचवें नंबर में हरा धनिया। बाप रे, मतलब सब कुछ तैयारी है। सारी तैयारी के साथ। ठीक है, तो गोकुल आपके कैसे असिस्ट कर रहे हो? सर की सही तो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी चॉप कैसे कर रहे हैं सर, है ना? तो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये आ गई दही, दही आ गई, पूरा प्रोसेस देखिए आप। उसके बाद हमने डाली दही, उसके बाद देखिए, उसके बाद डाली हमने इसमें हरी मिर्च, उसके बाद हम डालेंगे इसमें खीरा एंड टमाटर, प्याज को हम निकालते हैं, चलो हो गया। और उसके बाद डाल दिया हमने इसमें हरा धनिया, हरे धनिए के बाद अब हम लाए हैं कुछ मसाले, ये मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया, और ये है हमारा नमक। अब इसको कर देंगे हम क्या करेंगे सिर उधर प्याज काट, अब देखिए दोस्तों दो मिनट में रायता तैयार, उसी टाइप से रायता बनता है, दो मिनट में रायता तैयार, यानी कि जैसे 21 दिन में इंग्लिश सीखी जा सकती है, दो मिनट में रायता भी तैयार किया जा सकता है, एकदम हेल्दी एंड फास्ट। आपको मैं सिखाता हूँ कटिंग, बहुत फाइनली चॉप करेंगे, गुड। ये एक और हमारे साथ, ये बस इतना ही करना, ज़्यादा फिर ज़्यादा होगा। ये तो पहले से रेडी शेफ लग रहा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी तो कृपया मेरे नंबर पर कॉल करें, ये हो गया दोस्तों। अब हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है, हमारी प्रोसेस। ओके, यहाँ पे हमारी भोजन थाली बिल्कुल लग रही है। प्रेरणा जी डाल रहे हैं क्या क्या है मेनू में, पूड़ियाँ, रायता, अभी इसके बाद और खाएगा। और हरी भैया वहाँ अपना पता नहीं क्या कर रहे हैं, पानी भी आ चुका है, मुश्किल आन पड़ी हरी भाई। और हमारे जो भी सहपाठी भाई लोग देख रहे हैं, कृपया पानी ना लाएं मुंह में, अच्छे से जलें, हाँ आप जलें, अच्छे से जलें, और प्रियंका जरूर देखें इस चीज को। तो दोस्तों और नेक्स्ट जो है वो है पनीर, जो मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरा स्वरचित पनीर है। स्वरचित भैया खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है पनीर की, यहाँ तक इतना मुंह में पानी आ गया, मैंने तो भर गया पूरा। मैं तो इतना दूर बैठा हूँ, पास में बैठी कैसे कंट्रोल किया है भाई, मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ। उसका खाना वो एक्सपेरिमेंट लगाने का काम सबने मुझे दिया है, और सोच नहीं सकते सर्विंग उस समय मेरे मुंह में कितना पानी आ रहा है। तो दोस्तों देखिए और मनोरम दृश्य यहाँ का, क्या मज़ेदार है, बिल्कुल सुकून देने वाला दृश्य। और यहाँ पे एक नया होटल भी बन रहा है, देख रहे होंगे। तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं अपना लंच, और आ क्या लेते हैं,
हमारे एक दोस्त भी यहाँ पे बिल्कुल आली बिल्कुल ना 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 ये देखिए दोस्तों क्या नजारे है। इस भाई को देख लो इतना स्वादिष्ट खाना मैंने ना अपनी लाइफ में आज ही खाया। तो दोस्तों पानी में देखो ये जल परियां बिल्कुल अठखेलियां करती हुई और इसको कॉलेज से भाग के इनके मतलब ये तमाशे हो रहे हैं इधर। मैंने कॉलेज बंद किया है। हाँ तू तो दूसरे ग्रह से आई है ना। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो भी प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया है, लंच वगैरह कर लिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो गोकुल जी बताइए कैसा लगा, कैसा रहा आज का अनुभव? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा, आपके साथ आने का सपना हमारा पूरा हो गया। और आपका पनीर तो इतना सही था, मतलब कि पूरी कम पड़ गई कोई बात नहीं, मगर पनीर ने दिल भर दिया। तो चलिए थैंक यू। और आप लोग बताइए, आपका रायता और आपका पनीर बहुत ही टेस्टी था सर। मतलब रायता फैला दिया मैंने कुल मिलाकर। आपके हाथ का बनाया हुआ रायता और पनीर अच्छा था। अच्छा। बहुत बहुत मजा आया, ये बहुत बढ़िया ट्रिप थी। अब एग्जाम्स के बाद फिर से मिलेंगे और मजे करेंगे। मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि भैया की कंपनी मैंने बहुत एंजॉय की, भले चश्मा का शीशा खो गया चोट लग गई लेकिन मजा बहुत आया। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं वापस हल्द्वानी की तरफ, फिर से मिलते हैं आपके आपको नई वीडियो में नए जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।